यूपी विधानसभा का चुनाव परिणाम आ चुका है। अब पार्टियां इस गुनागणित में लग गई हैं कि उनसे कहां चूक हुई जिससे उन्हें सत्ता तक पहुंचने का जादुई आंकड़ा नहीं मिल पाया। सर्वाधिक सीटें अपने दम पर जीतकर भाजपा नंबर वन और सपा दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। वोटों की गणित को समझने और सीटवार आकलन से यह पता चलता है कि सपा 77 सीटें 200 से 13,000 के अंतर से हारी हैं। इन सीटों को जीतने के लिए उसे 4,96,408 वोट की जरूरत थी। मतलब ये कि अगर सपा को 5,00,000 वोट और मिल जाते तो गठबंधन के सहारे वह 202 के आंकड़े तक पहुंच जाती और सरकार बना लेती। ऐसे समझते हैं वोटों का गणित। प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। भाजपा को 41.03% यानी 3,80,51,721 वोट मिला। इन वोटों के सहारे वह 255 सीट पाने में कामयाब रही। सपा को कुल वोट 32.06% यानी 2,95,43,934 मिले। इससे सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली। सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे 77 सीटों की और जरूरत थी, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकी। धामपुर, कुर्सी, बीसलपुर, नकुड़ व कटरा ऐसी सीटें हैं जिसे सपा 200 से 400 वोटों के अंतर पर हार गई। सपा जहां 200 से 1,000 के बीच हारी। धामपुर 203, कुर्सी 217, बीसलपुर 307, नकुड़ 315, कटरा 357, शाहगंज 719, मुरादाबाद नगर 728, सुल्तानपुर 1009, मानिकपुर 1048, छिबरामऊ 1111। वो सीटें जो 1000 से 5000 से हारी। मड़ियाहूं, सीतापुर, बदलापुर, श्रावस्ती, औराई, सलोन, फूलपुर, बिंदकी, अलीगंज, इटावा, बहराइच, जलेसर, मधुबन, जलालाबाद, तिरवा, भोगांव, मोहम्मदी हैं। 5,000 से 10,000 के बीच वाली सीटें कोल, महमूदाबाद, मेहदावल, खागा, बीकापुर, रावतसगंज, मिलक, कन्नौज, ज्ञानपुर, दुधी, शाहाबाद, गोंडा, नरैनी, मैनपुरी, पीलीभीत, देवबंद, रायबरेली, हस्तिनपुर, सहारनपुर नगर, मलिहाबाद, मेरठ दक्षिण, गोपामऊ, जौनपुर, सिकंदर राव, सांडी, नवाबगंज, चकिया, शाहजहांपुर, करछना, दातागंज, लंभुआ, ददरौला व सिधौली है। 10,000 से 13,000 वाली सीटें बिस्वा, वाराणसी दक्षिण, बरेली कैंट, सैयद राजा, बलरामपुर, बदायूं, धनौरा, भोगनीपुर, पयागपुर, महोली, नानपारा, बारा, खलीलाबाद, धौलाना, अलीगढ़ व आया शाह है।